चंद्रयान 3 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लैंडर प्रज्ञान और रोवर से भारत के वैज्ञानिकों का संपर्क टूट सा गया है, वहां से कोई सिग्नल नहीं आ रहा। इसरो ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी कि भारतीय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। इसरो ने शुक्रवार को बताया कि लैंडर और रोवर से सिग्नल नहीं मिल पा रहा। इसरो ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल उनकी ओर से कोई सिग्नल नहीं मिले हैं, संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। बता दें कि 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत ने इतिहास रच दिया था। भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बना था, वहीं चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। चंद्रयान 3 पर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निर्देशक नीलेश देसाई ने बताया कि अब लैंडर और रोवर को शनिवार को एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। नीलेश देसाई ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि चांद पर सुबह हो चुकी है। पहले हमारी योजना थी कि 22 सितंबर शाम तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को फिर से सक्रिय करें, लेकिन कुछ कारणों से ये नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि अब हम कल 23 सितंबर को फिर कोशिश करेंगे। इससे पहले गुरुवार को इसरो ने कहा था कि लैंडर और रोवर 16 दिनों के स्लीप मोड में जा रहा है और दोनों को शुक्रवार को सक्रिय किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी गुरुवार को लोकसभा में जानकारी दी थी कि जल्द ही प्रज्ञान और विक्रम नींद से जागने वाले हैं।